Hey guys, welcome back to my channel. तो मैं आज इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अरुण पवार जी हैं, वो काफी बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनके भाई कजन भाई अजीत पवार जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिनको मारा गया है ह्युंडई शोरूम के द्वारा। ह्युंडई एक डीलरशिप के कारण पूरा ह्युंडई बदनाम हो रहा है। तो ये जो डीलरशिप है उसका नाम है जेएमवी सोना, ये है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, जो ह्युंडई का शोरूम है ये जेएमवी सोना नाम से है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो जो अजीत पवार है अरुण पवार के भाई, उन्होंने कुछ टाइम पहले ठंडियों के टाइम में ह्युंडई की क्रेटा परचेस की 14-15 लाख की, मतलब बेस वेरिएंट या बेस के ऊपर वाली। तो उसमें ठंडी के टाइम में एसी यूज होता नहीं था, तो कुछ टाइम बाद उसमें जब एसी का यूज होने लगा तो उसमें क्या बोलते हैं एसी अच्छे से वर्क नहीं करती थी, तो उनके कार में पहली प्रॉब्लम आई। अगर कोई मिडिल क्लास आदमी कोई इतनी महंगी 14-15 लाख की कार लेता है तो एक्चुअली कोई नहीं चाहे कि उसकी कार में प्रॉब्लम आए। हम लोग भी नहीं चाहते, कोई भी जितने भी कस्टमर, कोई भी नहीं चाहता इतना महंगा प्रोडक्ट खरीदने के बाद कि उसकी नई कार में फॉल्ट रहे कुछ भी। तो चलिए, उसमें एक कार के एसी की प्रॉब्लम थी, एसी काम नहीं करती थी, ऑटोमेटिक एसी कुछ भी चालू कर लो उसके बाद भी नहीं काम करती थी। तो उन्होंने वो बनवाने गया, तो उनके घर के पास वही पड़ता था जेएमवी सोना, शोरूम का नाम है ह्युंडई के, ठीक है, सर्विस सेंटर भी साथ ही साथ। तो जो डीलरशिप है जेएमवी सोना गुरुग्राम हरियाणा में, तो वहां वो जाके कुछ फैब में इसको बनवाया, तो वो 2 से 3 घंटा लिए बनाने में एंड प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। तो एक्चुअली वो क्या है, वो भी वीडियो बनाते हैं, तो वो भी अजीत पवार जिनका नाम है वो भी वीडियो बनाते हैं, तो वो रिव्यू डाल दिए यूट्यूब पे वीडियो बना के कि ये प्रॉब्लम थी मेरे क्रेटा में, तो ऐसा मतलब डीलरशिप वालों ने बुलाया एंड ऐसे सॉल्व कर दिया 2 घंटे टाइम लिया, बट प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई एसी वाली। एंड उसके बाद जो फीडबैक वाला फोन आता है ह्युंडई की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी उन्होंने 10 में से 10 पूरे मार्क्स दे दिए, पूरे रेटिंग दे दी 10 में से 10। तो उसके बाद जो जेएमवी सोना गुरुग्राम हरियाणा वाला जो ह्युंडई का डीलरशिप था वो उनको प्रेशराइज करने लगे कि वो वीडियो आप डिलीट करिए, ठीक है, वो वीडियो आप डिलीट करिए। नहीं पता क्या था ऐसा प्रॉब्लम उनको, क्या पता डीफेम हो रहे हो शायद उस वीडियो से, तो उन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट करिए। एंड अजीत पवार जो थे वो पूरा मना करते गए, नहीं करेंगे वीडियो को डिलीट, ठीक है, क्योंकि हर किसी कहा कि भाई रिव्यू दे रहा है, कुछ नेगेटिव भी नहीं कहा था उन्होंने, बस ये बता दें कि उनकी कार में प्रॉब्लम आई, नई कार में प्रॉब्लम आ गई लगता है, इसीलिए उनको ये बात पची नहीं, इसी कारण उनको प्रेशराइज करने लगे कि वीडियो डिलीट करें। तो उन्होंने एफआईआर करा दी उनके अगेंस्ट पे एंड कहा कि पुलिस वालों से कहा कि वो वीडियो डिलीट करने के लिए पैसा मांग रहे हैं एंड ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ह्युंडई शोरूम वाले ने ऐसी कंप्लेन करा दी। तो एफआईआर हुई, तो उसके बाद जो अजीत पवार थे अरुण पवार थे ये सब गए पुलिस स्टेशन एंड उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, सब अफवाह है, मतलब सब झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बिकॉज हर किसी का हक है रिव्यू डालने का, तो ऐसा कुछ नेगेटिव था भी नहीं उस वीडियो में जो इतना प्रेशराइज कर रहे थे डिलीट करने के लिए। एंड उसके बाद हुआ क्या कि जो वहां के मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे वहां के जेएमवी सोना गुरुग्राम हरियाणा के जो डीलरशिप था ह्युंडई के, उसके जो मैनेजर थे उन्होंने कॉल किया उनको अजीत पवार को एंड कहा कि मतलब ये सब होने के बाद कहा कि अगर आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आएगी सर तो प्लीज हमारे पास ही आइएगा आप। तो उनकी कार में प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई कि उनकी कार में जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन थी वो काम नहीं करती थी, कार स्टार्ट नहीं होती थी, जो कार की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट्स है वो वर्क नहीं करती थी, कुछ लाइट्स मतलब लाइट भी आने लगी थी, तो कहीं नई कार को धक्का देना पड़ता था, उस टाइप की कंडीशन आ गई थी कार की। तो वो ना चाहते हुए उनको जाना पड़ा वही, क्योंकि सबसे पास उनके घर से वही शोरूम था, बाकी सब दूर दूर थे। तो वो गए कुछ एक क्या बोलते हैं 11 मार्च को 1 बजे करीब, ठीक है, तो वो तीनों गए, वो और उनके 2 भाई और। तो वहां 1 बजे करीब जाने के बाद 11 मार्च को वो तीनों भाई गए साथ में, अजीत पवार और उनके भाई, तो क्रेटा लेके गए, उसने जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व कराने के लिए सर्विस सेंटर जेएमवी वाला। तो वहां गए तो 1 बजे करीब कोई नहीं दिख रहा था, स्टाफ इकट्ठा होके अचानक से 15-20 स्टाफ आ गए एंड पहली बात उनका फोन छीना वहां से, ठीक है, एंड हाथापाई की उनके साथ एंड उनको मारा भी, जिनमें से जो अजीत पवार जो ओनर है उनका सर भी यहां से फट गया है, तो एक मतलब काफी क्रिटिकल कंडीशन भी हो गई थी उनकी। बाकी दोनों भाई को नहीं मारा बिकॉज उनको जानते नहीं थे वो, एंड मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने मारा बिकॉज ये जो वीडियो इन्होंने ही अजीत पवार ने ही बनाया था रिव्यू का कि सर्विसिंग मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई मेरी कार में तो ऐसे ठीक कर दी इन्होंने एसी वाली, शायद इन्हीं से ही प्रॉब्लम थी, इनको वीडियो डिलीट नहीं कर रहे थे, इसीलिए 10 से 15 पूरे स्टाफ मिलके इनको मारा एंड इनका फोन भी तोड़ दिया। एंड फोन देखिए इतना जल्दी फटता नहीं है, इतना जल्दी उसमें आग नहीं लगती है, बट उनके फोन में आग भी लग गई, मतलब इतना खराब तरीके से उनके फोन को तोड़ा भी उन्होंने। एंड दोनों भाई मतलब तीनों भाई में से सिर्फ अजीत पवार को ही मारा, बाकी दोनों भाई को टच नहीं किया,
तो गाइस ये सब हुआ है। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे, वहां जाके आप पूरा 30 मिनट का वीडियो देख सकते हैं क्या स्टार्टिंग कहां से हुई एंड एंड कहां पे हुआ। मार पिटाई में बेफालतू का एक डीलरशिप के कारण पूरा ह्यूंडई बदनाम हो रहा है, तो मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एक डीलरशिप के कारण पूरा ह्यूंडई बदनाम हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है, कि ये जानने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज ह्यूंडई की सर्विस काफी जानी जाती थी एंड एक डीलरशिप के कारण पूरी ह्यूंडई बदनाम हो रही है, ठीक है। मतलब उनको अपनी कार में कुछ फॉल्ट आ गया है एंड वो उन्होंने जाके सर्विस सेंटर में ठीक करा लिया, नई कार में फॉल्ट आया तो वो बात उनको पची नहीं, तो एक बहुत गलत बात है यार। आगे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है भाई, कई बार हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जाता है कई कार्स में, तो आगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कोई वीडियो बना रहे हर किसी का हक है यार, उसकी कार है, वो 15 लाख रुपए देके खर्चा किया, तो अगर उसके कारण कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑफकोर्स ये बात है वो वीडियो बनाएगा। एंड उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नेगेटिव भी नहीं कहा, सिर्फ बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गई मेरी नई कार में। भाई हर किसी को गुस्सा आएगा नई कार में अगर कुछ फॉल्ट आ जाएगा तो, बेफालतू का, ठीक है, ऐसी काम नहीं कर रही है। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए सच मुझे तो पता नहीं क्या है, जैसा उन्होंने बताया उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी कहीं भी गलती दिखी सीसीटीवी फुटेज में, तो मैं मान लूंगा कि मेरी गलती है, बट ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है उन्होंने कहा है। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि सीसीटीवी फुटेज जरूर चेक किया जाए एंड पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। एंड जिस हिसाब से उन्होंने पूरी पब्लिकली कहा है कि हमारी कहीं गलती दिखी तो हम मान लेंगे हमारी गलती है, बट उन्होंने ऐसा कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जरूर चेक कराएं एंड कहीं भी देखिए कि हमने पहले हाथ उठाया है या हमने कुछ कहा है उसे पता चल जाए तो हमारी गलती है, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता इतने कॉन्फिडेंस के साथ मार खाने के बाद एंड पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, क्योंकि सब कोई जान रहे हैं अरुण पवार को एंड जानते हैं आप अरुण पवार का वीडियो में काफी अच्छे व्यूज आते हैं, तो बहुत वायरल होने वाला वीडियो एंड सब मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूं उनको, अजीत पवार जी को, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है उस हिसाब से मैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूं। एंड जो मैटर है उसको ह्यूंडई वालों को देखना चाहिए, ह्यूंडई वालों को टैग भी कर रहा हूं मैं एंड पुलिस वालों को भी जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देख के एक्शन लेना चाहिए, बहुत गलत हुआ है, हमारे इंडिया में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। तो सबके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, जो जितने भी वहां स्टाफ थे सबके अगेंस्ट होनी चाहिए। सो गाइस यही एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच, यही कुछ मैटर था, तो बहुत गलत हुआ, मुझे वीडियो देख के काफी बुरा लगा, आप भी जाके नीचे देख सकते हैं वीडियो। सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।